राधे राधे भाई, और बीमारी इंड्री फिलहाल इंड्री में आके बैठ गया है। और दिखाऊं ये देखो, हेल्दी डाइट है, सुबह सुबह 11 बजे यहाँ खुल गई है। और जिससे मिलो, हाय कर दे जयटू का नोजी और लाली नोजी नोजी नंगू पुंगू भाई, ऐसी कहीं भी ओपनली टट्टी कर देता है। इसको अभी इतनी अकल नहीं, मैं बता दूँ, अब तो खूब बड़ा हो गया है। जबकि भाई आज इतने बड़े दिन बाद अपने काजू बादाम ये खा रहा हूँ और दूध पी रहा हूँ। बादाम खाए जा रहा है, इतना खा के देखना भाई, मैं तो सूख गया। मेरा वेट हो गया 83 kg, अभी न पाता इस पर 96 था जब स्टार्ट किया था, 83 दिखाऊँ आपको, आप नहीं मानोगे ना, मुझे बताया था वो खा रहा हूँ देखो। अब पीऊँगा दूध और देख रहे हो ये नाम पता नहीं किसने रख दिया, घनश्याम ये है नहीं वैसे नाम, मैं आपको बताऊँगा क्या है हमारे बेबी का, और बेबी से भी मिलवाऊँगा अभी। ये देखो वेट 83.50, वाह जा ठीक है ना, काजे मोटे से तो पतला हो गया, डांस करके दिखा दे। और मैं मोटू के लिए जैसा आपको पता ही है JBL का स्पीकर लेके आया था, तो मोटा फुल नाच रहा है, नंगे कच्ची पहन लेकर कह दिन यूट्यूब गाइडलाइन फाइडलाइन मार देगा कुछ। चलो भाई आज घर की रोटी और खाऊंगा, मजा आ जाएगा इतने दिन बाद बाहर। भाई पता ही है आपको, बाली में 1200-1300 रुपए की रोटी पड़ती थी, इतनी सी सब्जी दो रोटी। माय फेवरेट सब्जी देखना, बर्मा शिमला मिर्च बना दी है हमारी मम्मी ने, और यहाँ पे रोटी और मेरा दूध बन रहा है। दूध में लिटिल लिटिल चाय पत्ती सब पीता हूँ, क्योंकि रो दूध मुझे स्वाद नहीं लगता बिल्कुल भी, उल्टी ये सब मन हो जाता है, थोड़ा उसमें वैसे करके पीता हूँ, क्या टेस्ट आता है। लग गो दे रहा है भाई, इसलिए बात हम नहीं देता मैं इसको, देखो कि ये पूरा खाता है नहीं, बिगाड़ देता है। ऊपर देखते पिट्टी कर दूँ इतने दिन बाद, पिट्टी लोग कहते भाई तुम बच्चों को क्यों मारते हो काम का, भाई मुझे मजा आता है, थोड़ा बड़े हो जाते हो इन्हें ऐसा उपारे करूँगा ना, अगर क्लास में फर्स्ट नहीं आए ना ये तो जब मारूंगा इनको। अब भाई गाड़ी यहीं खड़ी है जैसी छोड़ के गया था किया एंडेवर, सबको देखेंगे पहले, थोड़ा सा खाऊं पी लूं। और हाँ भाई आपको एक और चीज तो पता ही नहीं है, हमारा तो बेबी हुआ ही हुआ है, ये तो चलो आपको पता, आकाश की वीडियो वगैरह देखी होगी आपने, भाई इसका भी छोटा भाई हुआ है। अरे तेरा भी छोटा भाई हुआ है ना? हाँ भाई ओजस खुद ही अभी 1.5 साल का, इसके पापा मोहित है ना, तो उसको ज्यादा जल्दी थी, तो एक हफ्ते बाद जैसे ये हमारा बेबी हुआ उसके एक हफ्ते बाद लगभग वो हो गया। अभी चल के उसको भी देख के आना, उसको तो मैं भी देख के ही नहीं आया। पूरा नाम धरा होगा, पूरव नाम रखा उसका, अच्छा नाम है, पूर्व कह लो, पूरव कह लो, PURAV। बन गया हमारे का आधार कार्ड, बन गो नाम ही नहीं है, कायरव नाम है ठीक है। जब भी घनश्याम लगा दियो घनश्याम, अरे यार चलो पत्रा का नाम घनश्याम अच्छा है, तो पापा इसे घनु कहते हैं। चलो उसके भाई को देख के आते हैं, अपना वाला तो दिखाऊंगा आपको बाद में कभी। और भाई ये इतना परेशान है ना, इतना दुखी हो रखा है ये, तो इसकी प्रॉपर्टी के दो हिस्से हो गए भाई हैं, इतना गुस्सा करता रहता है बेचारा, क्योंकि भाई इसका भी लिटिल लिटिल, ये देखो ये रहा भाई इसका, ये अच्छा ही तगड़ा हेल्दी हुआ है 3 किलो का, और ये भी उससे ही हुआ ऑपरेशन से भाई, ये तो नॉर्मल हो गया था लेकिन इसमें इसके में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, अंदर ही पोटी कर गया ये ऐसा कुछ जुगाड़। और देखना हट्टा कट्टा बिल्कुल हो, जस्ट 2.0। ओए चप्पल ला मेरी, इधर ला, चल दिया पैर के जवान होगा भाई, मैं इसको छोड़ के गया था दो दांतों के साथ, अब सारे निकल गया इधर उधर नीचे भी सारे कुछ, अब बेचारा बहुत परेशान है, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी जितनी भी थी सब लुड़ा दी आधी हो गई। और भाई हमारे तो सारे लड़के ही लड़के आए जा रहे हैं, ये भी लड़का है, लड़की तो आ ही नहीं रही है, तो देखो भाई एक लक्ष्मी भी चाहिए घर में। और अब ये एक और कर ले रहे, एक तीसरी छोरी आ जाएगी, अरे नहीं एक लड़की चाहिए यार, मतलब पूरे घर में भाई देखो जो एक और डुलडुल और वो है मोटा, और वो भी दोनों लड़के हैं, वो है एक और है भंगूरी में जो हमारे सिस्टर भी है, वो भी दोनों लड़के, इस पे भी दोनों लड़के, आकाश पे भी अब लड़का हो गया, लड़की है ही नहीं भाई, बस एक है हमारी भांजी बस होटल में बस, और सब लड़का है, तो दो एक दीपक की है, एक अजीत की है, फिर भी चाहिए एक छोरी राखी वाखी बांधने के, इन्हें
मैं तो करूंगा भाई, एक लड़की करूंगा गारंटी से, चाहे मेरे दो छोरा भी आएगा तीसरी छोरी करूंगा मैं अपना, कोई दिक्कत ना है। और ये मतलब ये लड़का हेल्दी है काफी बढ़िया, बहुत ज्यादा मतलब न्यूट्रिशन मिला इसको। वो जो अपना वाला है वो बहुत सूखा है यार, इसलिए उसको भी मैं दिखा नहीं रहा, बहुत डेढ़ हड्डी है वो, बिल्कुल छोटा सा और स्किन पे फोल्ड है, और वो क्योंकि जल्दी हो गया ना, दो महीने दो हफ्तों से तो बेचारा भूखा रहा था वो अंदर पेट में, हाँ शीशे में रहो, वो तो बच गया वो बड़ी बात है, नहीं तो दो हफ्ता आदमी भूखो ना रह सके। एक्चुअली उसका क्या कुछ हो गया था भाई, मेरा जो हमारे ओनर रहे ना बच्चा गेल वो सूख गई, हाँ मतलब न्यू पहुंच नहीं पा रहा, खाना नहीं पहुंच पा रहा था इसीलिए भाई। जैसे बहुत लोग भाई मेरे को भी मतलब गालियां बक रहे थे, मैं आकाश की वीडियो में देख रहा था यार, उनको तो फैमिली से कोई मतलब ही नहीं है और ऐसे वैसा, फैमिली को जब जरूर अरुण की जरूरत पड़ी है चला गया ये वो। भाई मेरी यार सारी टिकट 1.5 लाख रुपए की हो रखी है, ठीक है, मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, घर से फोन आ रहा है आया कि ऐसे 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 वो आज हो रहा है बेबी, अनएक्सपेक्टेडली, कोई कुछ नहीं कोई खबर नहीं उससे, एक दिन पहले ही तो मैं दिल्ली गया था भाई, ये लगा लो वहाँ एयरपोर्ट पे बाहर जाने नहीं देते, बोर्डिंग गेट पे मैं बैठा हुआ हूँ, ऐसे कैसे आ जाता, फिर इनका फोन आया चलता तू जा हम करवा रहे हैं सब कुछ, ऐसे हो गया। अब भाई सारे काम कुम को करने गया था कोई ऐसी थोड़ी, तो वो सब निपटा के जब ही तो आया हूँ, और अब सब हेल्दी है, ठीक है, बढ़िया है। मेरे पीछे से ये भी हो गया, एक और हो गया, बहुत सारे काम हो गए, ठीक है भाई। अब एक कल लेजन परसों, आज की 22 है कि ना, 24 तारीख को आकाश का हवन है, मतलब उस बच्चे का अपने का, और इसका पूरब नाम है इसका, इसका कर, इसका 1 तारीख को है, हाँ, एक का। एक दिन ही रख लेते, रख तो लेते, फिर यू बाद में दिन हवन ना होता। अच्छा, ना क्योंकि मम्मी, क्योंकि भाई अब डबल खर्चा पड़ता है फिर खामा का, मतलब तीन पोते हुए तगड़े से चूचक मारो तीनों भैया मिलकर आज एक साथ हो सकता है, ये तीनों तो बिल्कुल ही गैल के, एक महीना के अंदर अंदर तीन जने हो गए, और ओजस भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, ये भी 1.5 साल का है मात्र, और मतलब अब तो हमारे घर में इतना लहंडा हो गया है ना भाई, कभी मेरा कल को मेरा जब ब्याह होगा ना भाई, इतनी फौज रहेगी ना हमारे घर में, बच्चों बच्चों की इतनी फौज रहेगी, बच्चों की एक गाड़ी तेरी फुल भरी रहेगी बालकंती। और अभी तो आकाश के भी बच रहे हैं, कई मेरे बच रहे हैं, अभी तो काफी फौज बच रही है, चलो बढ़िया भाई, दूसरा लड़का हुआ है ठीक है, चलो बहुत है इतने आज के टाइम में, दो बालक ठीक है, दोनों लड़के हो गए, पढ़ा लिखा कितने भी ले। अच्छा सही कह रही, अभी अब मोटो जाएगा ना, 1 साल पीछे स्कूल जाएगा, जब स्कूल की फीस पता चलेगी कितनी हैवी है कितनी महंगी है, कैसे मोटू मोटो पर अब भाई हसमुख हो गया है, खूब इंटरेस्टिंग लड़का, मैं तो अब अपने मम्मी ढोल जा, हाँ वही तो चूची पी वे चार दिन तक पापा ने तो निशान डाटो तेरी मम्मी ने, अपने भैया के बारे में दो शब्द बोल, अपने भैया के बारे में दो शब्द बोल, प्यार कर दे इससे भैया, देखो किसी करता रहता भाई इसको, खावे खावे खूब पिची कर दूंगा तेरी भाई, कत्तो ही सेम टू सेम ओजस है ये, देखो दोनों भैयाओं को अब देखो सेम टू सेम ओजस पी गया है, मतलब दोनों भैया की सेम शकल रहेगी, लोग जुड़वा कहा करेंगे इनको कि ये दोनों जुड़वा हैं क्या। और भाई ये अब इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, ये इतने दिन से ऐसे ही पड़ा था, इसके अंदर फोल्डिंग मैग्नेटिक वायरलेस चार्जर है, टेबल पर रख दूंगा, तीनों चीज चार्ज करता है, दिखाता हूँ कैसा रहता है, यहाँ से होता है फोन चार्ज, ये वॉच का है, ये मस्त है भाई, ये यहाँ पे एयरपोर्ट्स लगा दिए, यहाँ पे वॉच चार्ज हो रही है, इसको बंद करूंगा एक बार, लाइट भी जुड़ती रहती है इसमें, मलेशिया से अच्छे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, और अरे हो रही है चार्ज, ये देखो ये भी चार्ज हो रही है, इसको हटाओ, इसको यहाँ पे तो एयरपोर्ट्स को रख दो, ठीक है साइमल्टेनियसली, अरे फ़ोन है एप्पल के में मैक सेफ होता है, ये ऐसे टेक दो इस पर, अपने आप ऑटोमेटिकली वायरलेसली चार्ज होता रहेगा, अपना टाइप सी की दिक्कत ना लाइट ने जिसका मन किया यहाँ के टेक दिया, फ़ोन फुल चार्ज, कोई केबल कनेक्ट नहीं, ऑटोमेटिकली ऐसे ही चार्ज हो जाएगा, बैठ के सारे देखने में बढ़िया सा लग रहा है भाई, नाइस। आज तो बहुत दिन में घर का खाना खा रहा हूँ भाई, देखो हमारा बीबी छोटू सा एकदम छोटू मोटू सा, और भाई मज़ा आ गया घर की रोटी घी की खा के मेन तो नाइस। और भाई छाछ और दूध घी हमारा भी है नहीं क्योंकि हमारी भैंस भी ब्यागी, तो भैया हमारा मतलब बहुत ज़्यादा बेबीज आ जा रहे हैं हमारे घर में, तो अभी 2-3 दिन लगते हैं जो भैंस वगैरह होती है ना जब वो ब्याती हैं तो उनको 2-3 दिन लगते हैं अच्छा वाला दूध देने में, 1-2 दिन तो वो ऐसे टाइप का दूध देती है जिसको कुत्ता वगैरह को पिलाया जाता है या फिर पोखर में बहाया जाता है या फिर क्या बोलते कीली वीली बनाई जाती है, एक मिठाई सी बनती है मीठी मीठी सी, उसके बाद दूध देगी तब छाछ वाछ अपने होगी,
तब उसको पियेंगे, मजा आया। राम जी आ गए ड्यूटी पे से। राम जी बहुत बहुत मुबारक हो, बाप बनने की खुशी आपको बहुत ज्यादा। आपको चाचू बनने की बहुत बहुत मुबारक हो। 21-17 का क्या मतलब है? इसका मतलब 17 क्या है? ये देखो ना तुम, ओ माय गॉड, परमानेंट है ये। और क्या परमानेंट ना है। और परमानेंट हो जब नहीं। भाई ये देखो, हमने बेबी का जो नाम रखा है, ये पीछे ये अपनी दादी के साथ सो रहा है हमारा बेबी, और इसका नाम रखा है हमने कायरव। कैसा नाम है भाई? कैसे निकला था इसका? तो कुछ कुंज बहुत कंफ्यूज रहे, लेकिन ये थोड़ा अच्छा सा मॉडर्न सा लग रहा था, तो हमने फिर कायरव। भाई फिक्स है यहाँ, फिक्स और कैसे फिक्स हो। वाह बेटा वाह, मतलब वाह। ओह माय गॉड अरुण, इतना प्यार के हाथ पे नाम बुलवा दिया। हम yes. अभी तक पेन पे ना लिखो। ये हमारे घर का फर्स्ट बेबी है ना, अच्छा, इसलिए इसका कायरव लिखवा दिया। या मेरे हाथ के बाल भी काट लिए भाई। वो टैटू बनाने से पहले का एक प्रोसीजर होता है, अब आपको क्या पता भाई। इसको पहले ना, इसको पहले वो मतलब यहाँ यहाँ पे जहाँ पे बनवाना है उसको वो करते हैं रेजर से साफ, फिर उसके बाद चेटी सी खाती है, बहुत ज्यादा पेन सा होता है। उसके बाद भाई फिर इस पे ना वो पन्नी से चढ़ाते प्लास्टिक की सी, जिन भाइयों ने बनवाया होगा उनको पता होगा। फिर कहते हैं कि भाई 24 घंटे तक धोना नहीं है, इस पे पानी भी नहीं लगना चाहिए। फिर ऐसे करते हैं, फिर क्रीम व्रीम लगाते रहो, डायरेक्ट सोप नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भाई पता क्या होता है, ये स्किन में छेद करके अंदर लगाया जाता है, तो भाई फिर ना अंदर जाके इंक सेट होने में टाइम लगता है, और स्किन के ओपन पोर्स होते हैं, उसमें साबुन चला जाए तो टैटू बिगड़ने का डर भी रहता है, इसलिए इसमें थोड़ी सेफ्टी बरतनी पड़ती है। और स्विमिंग पूल और बीच में तो बिल्कुल नहा ही नहीं सकते भाई, नहीं तो सारा खराब हो जाएगा ये। और भाई अब इसमें ना इचिंग भी स्टार्ट हो गई है, पहले तो कुछ नहीं थी, अब इसमें खुजली सी चलती है, लेकिन खुजलाना भी अलाउड नहीं है। अब इस पर क्या होगा ना, थोड़े दिन बाद इस पर ये स्किन सी इस पर उछलेगी, इसकी ऊपर की, और फिर दूसरी स्किन आएगी इसके ऊपर, फिर ये सेट हो जाएगा एकदम। और उससे पहले इसे मॉइस्चराइजर वगैरह लगाना पड़ता है। ये देखो हमारे बड़े भाई साहब जो बाप बन चुके हैं, लेकिन सब रब भी नहीं आया है, तो कहा दिखा रहा हूँ मैं। क्लैप कर दे। बस सोच के देखो भाई, बच्चा जब होता है कितना छोटा सा होता है एकदम, मतलब यहाँ पे मैंने लुटा रखा है अभी फिलहाल, मतलब इतना सा नन्हा सा बिल्कुल यार, हम सब इतने से होते हैं, इतने से, और देखते देखते मतलब इतने बड़े हो जाते हैं, बोलना लैंग्वेज सब सीख जाते हैं। अब देखो, अब ये वैसे तो सोता ही रहता है, पूरे दिन भर सोते रहते हैं सारे बच्चे, अब रात में जगा है इनको। एक्चुअली क्या है ना, अंदर पेट में जैसे रहते हैं तो अंधेरे की आदत होती है भाई, अंधेरा गुप्त रहता है, लाइट सी आती है तो आँखों पर जोर पड़ता है, तो उसमें आती लाइट में आते फिर नीचे लग जाता है। अब मैं घर के कुछ काम में लग रहे, पर से हवन वोवन है ना, हवन है तो बच्चे का, तो फिर वो मतलब आएंगे सब गेस्ट वगैरह, तो सूट वूट ऐसा कुछ रहता है, तो वो सब में लग रहे हैं। अब मेरी ड्यूटी लगा दी है बच्चे को खिलाने में, मैं इसी को देखे जा रहा हूँ मैं यार, मतलब बच्चे कैसे मतलब वो होते हैं यार, एकदम छोटे छोटे इतने इतने से। देखो इसको नाक और आँख देखना, कब इसकी नाक बनी होगी, आँख बाल सब चीज़ें खुजाता है अपने मुंह को, पता नहीं क्या क्या करता रहता है, तो मम्मी यार पूरी प्रोटेक्शन में रहती है। बाबू कायरव, कायरव नाम मैंने बता दिया क्या? हाँ कायरव नाम रख रहे हैं इसके। भाई पूरे दिन सोता रहता है, अब उठाया तो अब खेल रहा हूँ इसके साथ में। पर देखो यार, मैं यहाँ पे अपने घर पे 6 जने छोड़ के गया था, परिवार में पूरे 6 ना, हाँ, और जब आया तो कितना बदल गया सब, साथ हो गए यार। आप सोच के देखो कैसी किस्मत मेरी की, जब ये हुआ तब मैं अवेलेबल नहीं था भाई। वो ये सब ना लिखा होता है कि कब कहाँ आपको क्या होना है, वरना खुद आप बताओ, अगर आप वो व्लॉग देखोगे तो कोई प्लान नहीं, इंस्टेंट कैब बुक करी है, कैब में सोच रहा हूँ कि कहाँ जाना। हाँ बेटा गन्नू कैसे रोल हो है? कहा गर्मी लग रही है। पूरे दिन सोता रहता, अब मैं तो सुबह से अब देख रहा हूँ इसको उठा हुआ, अलग कल रात को आया था 3 बजे पहुंचा था मैं तो, तभी इस खिलाया था मैंने उठा के सबको ही आज। मैं तो भैया चाहे उठ जाओ, मैं तो देखूंगा अपने बाबू है, उठ गो तू, हैं उठ गो। फिर अब आज अब आके खेल रहा है प्रॉपर, आँख में खोल के ढंग से। अभी खेलने लायक उम्र तो भाई इसकी 3-4 महीने बाद होते मेरे ख्याल से, 2-3 महीने तो बच्चा सोता ही है। कैसे रो रहा हो तू? कहाँ बात है कि एसी चल रहा है? यार एसी में नहीं रखते क्या बच्चों को? 16 बजे मेरा कमरा चिल्ड हो रखा है।
हाँ अब वो काम में लग रही है कि मम्मी हर और आकाश वगैरह सब। बेटा अब इसको देखता हूँ, भूख वूख तो नहीं लग रही, इसको दूध वूध पिला के 6 महीने तक मम्मी का दूध पीता है बच्चा सिर्फ, और कुछ भी नहीं खाता पीता, नहीं तो इनडाइजेशन देखेंगे कैसे लग रहा होगा जैसे उनर है। चलो क्या बोलूँ मैं, इस किसी से कंपेयर नहीं कर सकते ना अपने बच्चे को यार। मोए कतई इतना प्यारा सा, गिलगिला सा इतना सा भाई, कतई क्या बताऊँ, इतना सेंसिटिव सा रहता है, मुझे तो गोदी में भी लेने में ऐसे आता है कभी नार वार कुछ हो जाए यार, बच्चे का सेंसिटिव पूरा मैटर होता है। हमारे घर का पहला बेबी है हमारा, मतलब खुद का, वैसे तो बहुत है मोटे ओजस पोजस बच्चे बहुत हो, पर वो रहता है ना जो 24 घंटे हमारे पास ही रहेगा, हमारे कलेजे से लग के और हमारे घर में ही रहेगा, वो तो ये पहला ही है ना बेटा, पहला ही है हमारा लड़का। भाई कोई नज़र मत लगाना, पहले ही कर देता हूँ। हाँ बेटा अपने आप उघाड़ रहा है कंबल को, गर्मी लग रही है क्या पता नहीं इसको।